पहले तो मैं बता दूँ अगर कन्फ्यूजन है तो, कि इस शो में मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं, बिहाइंड द कैमरा सुपरवाइज कर रहा हूँ। सारे एक्ट्स जो होंगे स्टेज पे आएंगे वो उन एक्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है। ऑब्वियसली कोरियोग्राफर्स रहेंगे जो सब करेंगे, बट एक ओवरऑल एक सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर जो रहता है उस रोल को मैं निभा रहा हूँ इस सीज़न में। एंड बहुत ही अच्छा शो है, बहुत ही अच्छे डांसर्स और टैलेंटेड आर्टिस्ट आते हैं हर साल, तो इस साल मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से डांसर्स ही नहीं, हर एक इंसान, कोई भी जॉनर, कोई भी करियर चॉइस हो, आज के यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि मैं सबसे पहले तो हार्डवर्क देखता हूँ, पैशन देखता हूँ उस काम के प्रति, उस आर्ट के प्रति, एंड पेशेंस। आज के यंगस्टर्स में पेशेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए, रील की दुनिया है, सब कुछ फास्ट चाहिए, लाइक्स फॉरवर्ड्स, बट पेशेंस, पैशन एंड हार्डवर्क इज़ वॉट आई लुक एट। मैं खुद गुजरा हूँ, मैं खुद लाइन में खड़ा हुआ हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा लेके चीज़ें हो जाती है ऑडिशन में, रियलिटी शो, सब सब फॉल्स है। बोलते ना अंगूर खट्टे हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं होते शायद वो लोग करते। यस, देर इज़ अ टीम जो स्काउट करती है पूरे सालों, मतलब उनका काम है कि टैलेंट स्काउट करना। IPL भी आप देखते हो, पूरे सीजन में अलग अलग क्रिकेटर्स अलग अलग जगह से, कोने कोने से वो लोग स्काउटिंग करते हैं। वैसे यहाँ पे एक टीम रहती है जो डांसर्स, टैलेंटेड आर्टिस्ट को पूरे साल देखते रहते हैं, उनके वीडियोस आते हैं हम तक, हम लोग वो वीडियोस पहले देखते हैं। यस, दैट डजंट मीन कि वो सिलेक्ट हो गए, नॉट डज इट मीन कि हम लोग चीटिंग के लिए कोई लाइन में खड़ा करते, ऐसा कुछ नहीं होता है। देर इज़ प्रॉपर 3-4 लेवल्स ऑफ ऑडिशन जो प्रॉपर बाकायदा रूल बुक में जाता है, वैसे होता है। ये फॉर्मेट है जो हम सब फॉलो करते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कल भी आए थे, जो आज भी आए मेरे सामने, क्योंकि आज लेवल 3 है, तो कल लेवल 1, 2, 3, आज लेवल 1, 2, 3 हो रहा है। सो इट्स ऑल फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ पे भी यंगस्टर्स को बोला, कोई भी इंसान बोले मैं प्रोडक्शन से हूँ, चैनल से हूँ, मैं पैसे लेके तो मैं आगे लाऊंगा, सब गलत है, वो इंसान ही गलत है। आप कंप्लेन करो सीधा, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो ऑडिशंस के बहुत, जैसे कि अभी तो कैमरा ऑन नहीं है, हम लोग बहुत लोग, मैं जब बोलता हूँ कि थैंक यू और मेरे थैंक यू में समझ में आता है वो लोग सेलेक्ट नहीं होने वाले, तो बुरा तो लगता है उन्हें, मुझे भी बुरा लगता है, बट इट्स बेटर कि अभी ही, बोलते ना दवाई कड़वी पहले ही पी लो ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो सच जो है सीधा ही बोल दो, अगर अच्छे नहीं है तो नहीं अच्छे। बहुत सारे लोग हैं जो रिजेक्ट करके करते करते आगे बढ़े हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। अब मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आई हैव टू बी ट्रू जिस चेयर में मैं बैठा हूँ, कि अगर कोई अच्छा नहीं है तो बोलना पड़ता है अच्छा नहीं है। एंड कॉम्पिटिशन टचवुड डांसिंग में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, आप सब देखते आ रहे हो, हर दूसरे दिन रियलिटी शो, हर रियलिटी शो में 10-20 लोग हैं, सब अच्छे, तो बहुत बहुत टफ है। तो अगर 10 को हाँ मिला है तो 1000 लाखों को ना भी मिला है तो डिफिकल्ट तो होता है। एक्सपेक्टेशंस रियलिटी शो को लेके डांस के प्रति तो बहुत हाई हो गई है, टचवुड अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया में डांसिंग का लेवल लास्ट मतलब कुछ सालों में इतना बढ़ गया, इतना फास्ट हो गया। मैं नसीब वाला हूँ कि मैं इस टाइम पे नहीं आया, उस टाइम पे आया, बिकॉज हमारे टाइम पे तो डांसिंग अलग ही थी, अभी तो बहुत अलग लेवल पे हो गई है, मतलब प्रॉपर इंटरनेशनल हो गई और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस शो को लेके, क्योंकि इंडियाज़ बेस्ट डांसर, सही मायने में जैसा नाम है वैसा काम है, बेस्ट डांसर्स आते हैं, बहुत ही अच्छा शो है, टैलेंटेड लोग आते हैं, अच्छे एक्ट्स होते हैं, तो उसी को मेंटेन करते हुए एक्सपेक्टेशंस हाई है। एंड सो फार सो गुड, अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट आए हैं जहाँ पे हम लोग जो एक्सपेक्टेशन है उसे मैच कर। मुझे एज एन एक्टर तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है एज एन एक्टर, बट एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डायरेक्टर काफ़ी काम चालू है। जैसे कि अभी श्रीकांत राजकुमार राव की जो फिल्म आई उसके पूरा डायरेक्शन ऑफ कोरियोग्राफी मैंने की है। ऐसे बहुत सारे काम चीज़ें हुई है बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज मुझे बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा पसंद है रहना, तो ये एक शो है। उसके अलावा टेलीविजन और मूवीज़ में काफ़ी काम बिहाइंड द कैमरा है, म्यूज़िक वीडियोज़ काफ़ी डायरेक्ट प्रोड्यूस कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, तो वो है। अभी सारे गामा के साथ काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ 3 किए, वो आने वाले, तो चीज़ें टचवुड अच्छी जा रही है। खतरों के खिलाड़ी तो मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। हार जीत मैं बोलने के लिए बात है, पर मैं जीतने नहीं गया था, मैं इंजॉय करने गया था, अपना बेस्ट देने गया था, उस चक्कर में मैं जीत गया, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। यस, उसके बाद मैंने काफ़ी सीज़न फॉलो की है, पूरा नहीं फॉलो किया पर थोड़ा बहुत फॉलो किया है। इस सीज़न में भी काफ़ी लोग गए, निमृत को जानता हूँ, पतली होके गई है ऐसे मैंने मेरे पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है, आई एम लास्ट पॉइंट टू से एक पतला जाड़ा हुआ है, मैंने सुना ऐसा। हाँ, बिग बॉस से आता है मुझे, मैं हर साल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल मेरे इस करियर के जोन में मैं रेडी नहीं हूँ बिग बॉस में जाना। अब तो OTT भी काफी ट्रेंड। हाँ, मुझे आता है, मैं हर बार ना बोलता हूँ, बिकॉज आई फील अभी ज़रूरत नहीं है मुझे जाने की वहाँ पर,
दो आई लव द शो, मैं हर साल देखता हूँ, मैं कोरियोग्राफी भी बहुत बार करता हूँ उस शो की, तो आई एम रियली इन्वॉल्व विद द मेकर्स एंड द शो, आई रियली लाइक द शो. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी गए उसमें, निशांत हो, जैस्मिन हो, अली हो, बहुत सारे लोग हैं, रूबीना हो, कितने गौहर, कितने लोग हैं, करिश्मा तन्ना जिनको मैं जानता हूँ जो है वहाँ पे, ये लाफ्टर भारती ने नहीं लिया मुझे जैसे कि उसमें फ़र्क, नहीं नहीं अली है उसमें, राहुल वैद्य है, लाफ्टर शेफ कृष्णा है, क्योंकि तो उनको नहीं लगा होगा मैं काफ़ी मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ, नहीं हूँ पता नहीं, बट मेरा मानना है सबका हक का जो रहता है वो मिलता है, तो मेरा नसीब था कि मुझे खतरा खतरा मिला, एंड खतरा खतरा ने बहुत सारा प्यार दिया, हर्ष और भारती से और क्लोज हुआ, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई जैस्मिन, अली, आदि सबसे, तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा शो को. शो आई थिंक कल लॉन्च हुआ सैटरडे को, एंड वो भी वो कलर्स पे आ रहा है, ये सोनी पे आ रहा है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर, तो मैं इस जिस चीज़ के लिए वो बोलूँगा इंडियाज़ बेस्ट डांसर इस साल बहुत अलग होने वाला है, चौगुना होने वाला है. डांस प्लस में देखते थे हम, डांस प्लस में राघव बिजी था, धर्मेश को करना नहीं था, तो इस साल राहुल आया, एंड एज फार एज मूवी में कंसर्न है तो रेमो सर के ऊपर है, बोल तो रहे उन्होंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी ABCD3 की, तो अगर ABCD3 की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हुई और सर को लगता है कि मैं, धर्मेश और राघव लायक है उसमें फीचर करने के लिए, तो वील बी मोर देन हैप्पी टू बी देयर, एंड होपफुली हो जाए ऐसे. मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा इस शो के साथ पहली बार मेल मिलाव है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर Season 4, प्लीज़ गो एंड वॉच द शो बिकॉज इट्स गोना बी अमेजिंग. अभी अब बाकायदा ताज़ा हाल ये है कि मैं टैलेंटेड आर्टिस्ट को नीचे देख रहा हूँ, ऑडिशन कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच एंड शेयर योर लव द वे यू डू इट ऑलरेडी. हम पूरी कंट्री, पूरी दुनिया में हम अपने आर्ट को पहुंचा सके, और ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए मतलब हो गया. उसके बाद अभी हम लोग अदर साइड पे हैं, तो जब हम यहाँ पे अभी मुंबई ग्राउंड ऑडिशंस में हैं और कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं कि सब फुल तैयारी कर रहे हैं और फुल जोश के साथ आए हैं इस सीज़न में भी, तो हम कहीं ना कहीं उनमें खुद को देख पा रहे हैं, और बहुत एक्साइटेड है उनकी जर्नी के लिए भी, और खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली वी आर गेटिंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द अदर साइड, एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीज़न एज वेल. जैसे कि शिवांशु भाई ने बोला कि हम बाकी कंटेस्टेंट में खुद को देख पा रहे हैं, सेम ऐसे ही, क्योंकि एक टाइम था कि हम भी ऐसी ऑडिशन देते थे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और हम भी बहुत नर्वस होते थे, जैसे कि सारे बाकी कंटेस्टेंट हैं, मतलब उनको डर लग रहा है कि नेक्स्ट उनका है और उनको बेस्ट देना है, तो हमारे मन में भी पहले वो रहता था, तो जब वो हमारे आगे भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें भी इतना ही डर लगता था, और IBD Season 3 इतना अच्छा गया. अब मैं चाहती हूँ कि नहीं चाहती क्यों नहीं चाहती मैं चाहती हूँ IBD Season 4 भी इतना ही क्रेजी जाए, है ना बोगी भैया. अंजलि शिवांशु ने कहा है कि हम लोग अभी एक डिफरेंट साइड में हैं, हम लोग टेबल का अलग साइड में हैं, वेयर वी सी द टेंशन, वेयर वी सी पीपल नर्वस होते हुए अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, या फिर ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए इतना ज़्यादा दे आर हंग्री फॉर इट. तो हम लोग वो चीज़ कि हम लोग लास्ट ईयर वो पूरा चीज़ से हम लोग गुजरे, 6 महीना फुल हम लोग अपना एक्ट्स निभाए, 6 महीना के पहले वो 2 महीना हम लोग ने ऑडिशन, मेगा ऑडिशन, वो टेंशन से हम लोग गुजर गए, से हम फीलिंग हैप्पी दैट थिंग्स हैपन टू अस इन अ गुड वे, द शो वेंट ऑन गुड, एंड आई रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि IBD Season 4 भी अच्छा जाए, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे डांसर्स जिन लोगों में पहले से जानते वो लोग भी है, कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज़ किए हैं जिन लोगों को हम लोग खुद देखते हैं ऑन टीवी, वो लोग भी आए हैं. सो बीइंग ऑन द अदर साइड, वॉचिंग पीपल हुम वी नो, गेटिंग टू एक्सप्लोर न्यू पीपल इज़ अ जर्नी फॉर अस विच विल ऑल्सो हेल्प अस ग्रो एंड लर्न एंड यस. कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ भी हमारे लिए भी न्यू है, बट हमने वो प्रोसेस में से हम गुजरे हैं और वो हमने वो समय जिया है जहाँ वो कंटेस्टेंट लाइफ होती है, जहाँ आप ऑडिशन से लेकर वो पूरा शो जीते हो, फिनाले तक जाते हो, लोगों का दिल जीतते हो, पुश करते हो, लाइफ में वो समय बिताते हो जितना मेहनत कभी नहीं हुआ रहता, उतना मेहनत करना पड़ता है. तो वो सब चीज़ से गुजरने के बाद फिर अभी जब हम लोग IBD Season 4 में एज एक्स कंटेस्टेंट जहाँ पर खड़े हैं, तो हमें देख के रियलाइज़ हो रहा है कि यार अगर सामने कोई कंटेस्टेंट ऑडिशन दे रहा है और वो ये चीज़ों में कम है, तो शायद हम भी वो चीज़ों में कम थे, बट जर्नी में उनको भी कितना कुछ सीखने मिलेगा, तो उनकी जर्नीज़ के लिए भी हम एक्साइटेड हैं टू सी देम ग्रो, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली सब शो में अगर आए थे और यहाँ पे थे तो शो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे ख़त्म करके गए हैं, हम सब की वो ग्रोथ वाली जर्नी रही है. तो आई एम श्योर कि जितने भी IBD 4 में कंटेस्टेंट्स हैं वो ऑलरेडी सुपर्ब लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शो ख़त्म होने के बाद तो दे विल लाइक गेट आउट एज स्टार्स. आई होप कि कोई कोई लोग अपना नयापन लाए,
कोई कोई लोग अपना स्टाइल को प्रेजेंट करे, क्योंकि IBD एस्पेशली सिंस मेरा फर्स्ट शो था सीजन 3 में, बहुत जिनका एक शो को लेके बहुत अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, पर ट्रस्ट मी ये वाला शो ऐसा है कि जो खुद आप करते हो वो आपको करने का वो फ्रीडम देते हैं। सो आई होप कि जो लोग जो चीज़ करते हैं अपना जो ऑथेंटिक स्टाइल्स या जो भी है करते, तो वो लोगों को वो पूरा चीज़ करने का मौका मिले, वो लोग अपना पूरा स्टाइल टीवी में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करें। कि बहुत समय ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ टीवी कुछ और हो जाता है, ऑन टीवी उन लोगों का डांसिंग चेंज हो जाता है। सो आई होप दे कैन एंड दे बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स पूरा अच्छे से टीवी में, एंड उन लोगों के लिए शो चले ताकि दे कम आउट एज स्टार्स एंड दे गेट देयर ड्यूज, दे गेट देयर हार्डवर्क का रिवॉर्ड। यस एंड यस, तो IBD 3 में भी बहुत सारे लोग मतलब न्यू आए थे, लाइक न्यू अपने स्टाइल्स लेके आए थे और बहुत अच्छे अच्छे ऑडिशन दिए। कुछ लोग नहीं हो पाए बहुत अच्छा करने के बाद भी, क्योंकि हो जाता है कभी, क्योंकि कुछ कमी दिख गई होगी। बट इस बार काफ़ी लोग ऐसे आए हुए हैं कि जिन्होंने पहले कभी रियलिटी शो में ऑडिशन दिए ही नहीं है, और जो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, और जिन्होंने दिए भी हैं बट वो कभी सिलेक्ट नहीं हुए। तो इस बार सब लोग अपना ट्राई कर रहे हैं, और IBD सीज़न 3 से अच्छा, या IBD सीजन 3 बहुत अच्छा था, 4 में भी बहुत अच्छे कंटेस्टेंट आएंगे, तो 3 के एक्स कंटेस्टेंट मिलेंगे, 4 के मिलेंगे, तो बहुत क्रेजी होएगा। yes. इस बार क्योंकि इस बार का फॉर्मेट बहुत अलग है, इस बार एक्स कंटेस्टेंट्स भी हैं और जो अभी सिलेक्ट होंगे ऑडिशन में जो लोग वो भी हैं, तो मतलब इस बार 4 तो कुछ अलग ही आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 4 में तो आउट ऑफ द बाउंड्री हिट करने वाला है IBD, बिकॉज फॉर्मेट में भी चेंजेस हैं जो ऑडियंस को धीरे धीरे पता चलेंगे कि बहुत कुछ नया शुरू से ही होने वाला है, जिसमें हम लोग भी उसके पार्ट हैं, और उसके बाद जो अभी का टैलेंट है, पहले का टैलेंट है, कोरियोग्राफर्स हैं, सबके साथ बहुत नई नई चीज़ें आने वाली है इस सीजन में, जो हमें पता है एंड ऑडियंस के लिए अनफोल्ड होने के लिए हम वेट कर रहे हैं, एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और सीजन 3 ने टचवुड हम सब के लिए, हम सब ने इतना बेंचमार्क अच्छा सेट कर चुके थे, एंड वी कैन नॉट वेट टू सी द बेंचमार्क बीइंग ब्रोकन बाय फोर पीपल एंड आल्सो द अदर पीपल, बिकॉज आई थिंक ये पहली बार ये चीज़ हो रहा है जहाँ पे एक्स कंटेस्टेंट्स भी मिल रहे हैं 8 पॉइंट में, फिर कुछ कुछ पुराने, बहुत पुराने कोरियोग्राफर्स भी फिर से आ रहे हैं वापस। सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज थ्रोबैक, समथिंग अपडेटेड एंड समथिंग रियली गुड। सो पीपल शुड डेफिनेटली वॉच द सीजन 4 ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर, क्योंकि हम ही बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हम मुंबई ग्राउंड ऑडिशंस में हैं इंडियाज बेस्ट डांसर के, और ये हमारे लिए मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम IBD में जब IBD के हिस्सा बने तब हम ये ऑडिशन से गो थ्रू किए, और अभी हम देख रहे हैं कंटेस्टेंट्स को कि वो फुल मेहनत करके फुल आ रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये सीज़न में बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है, और मे बी इंडिया को शायद ऐसा कुछ डांसिंग लेवल देखने मिलेगा जो अब तक इंडिया ने नहीं देखा है, बिकॉज हमें ऑडिशंस में ही वो वाइब आ रहा है कि यार सब लोग फुल तैयारी से आए हैं, और हम लोग भी जब ऑडिशंस के लिए तैयारी कर रहे थे तो हम फुल 1-2 महीना डट के ऑडिशन के लिए अपना एक्ट प्रिपेयर कर रहे थे, और हमें वो तैयारी दूसरे लोगों में भी दिख रही है, उल्टा बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रही है। तो हम बहुत एक्साइटेड है कि इस बार का टैलेंट किस तरह अनफोल्ड होता है। कोई भी जो जहाँ पे उसका आर्ट अपना ट्रुथ सेल्फ पोर्ट्रे कर पाए, जहाँ पे उसका मेहनत दिख जाए, जहाँ पे, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि किसी को TV आने के पहले वो डांस चालू ही करता है, सीधा ऑडिशन दे देता है, बट एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से जाना पड़ता है, लाइक वो प्रोसेस, वो एक हार्डवर्क, वो साल का एक डेडिकेशन जाना पड़ता है, तब जाके वो जो सोचता है अपना डांस को लेके वो अपने बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो फुल एक प्रोसेस है। सो मी पर्सनली अगर मैं एक ऑडिशन देख रहा हूँ एज अ व्यूअर और इवन एज एन कंटेस्टेंट और इवन एज अ सपोर्टर, आई एम अ लवर ऑफ हार्डवर्क एंड समवन जो अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करे, जो कि डांस का किसी का देख के पहला वो स्टेप से वो ठीक 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 के बाद से सब समझ में आ जाता है। सो आई एम लुकिंग फॉर समवन हुज ट्रू टू देयर आर्ट, सो दैट समवन अ प्योर आर्टिस्ट गेट्स ऑन TV, बिकॉज बहुत समय ऐसा हो जाता है कि जैसे TV में ऑडिशन में किसी का थोड़ा सा खराब हो जाता है। सो आई जस्ट होप द प्योर आर्टिस्ट कैन गेट ऑन TV एंड कैन शाइन मोर। यस बट आई रियली होप कि समबडी फ्रॉम इंडियन क्लासिकल बैकग्राउंड कम्स एंड लाइक शाइन्स, बिकॉज representation matters and I would love to see somebody do very good Indian. तो basically आपको first आपका video audition होता है, और कुछ लोगों के पास पूरी team contact करती है, talent team contact करती है कि आप
बेस्ट डांसर हो, आप अपना ऑडिशन दो और ट्राई करो अपना अच्छे आर्ट को अच्छे प्लेटफॉर्म पे शो करने के लिए। तो फिर जो लोग वीडियो से सिलेक्ट हो जाते हैं उनका सही है, और जो नहीं हो पाते उनको फर्स्ट राउंड देना पड़ता है ग्राउंड ऑडिशंस के लिए। फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट लेवल पार कर लेते हो फिर सेकेंड राउंड होता है, और सेकेंड राउंड पार करने के बाद फिर आपका होता है थर्ड राउंड जो कि नेक्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे आपका फर्स्ट सेकेंड राउंड होता है एंड सेकेंड डे आपका थर्ड राउंड होता है। फिर उसके बाद अगर आप तीनों लेवल पार कर जाओगे, तीनों ग्राउंड लेवल पार कर जाओगे, उसके बाद आपका होता है कलिंग राउंड, देन उसके बाद आपका टीवी ऑडिशन। फिर वहाँ से आप सभी लोगों को पता है क्या प्रोसेस चलता है। बिल्कुल, यस, प्लीज डू सपोर्ट रियलिटी शो, दीज रियलिटी शोज, बिकॉज ये पर्टिकुलर शो में यू ऑल्सो, यू बींग अ बडिंग डांसर एंड अपकमिंग डांसर, यू कैन ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट हाउ अ शो वर्क्स, हाउ वट टू डू इन ऑर्डर टू कम इन टू अ शो। जो कि हम लोग जब अपने अपने वर्कशॉप्स में जाते हैं, हम लोग को बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने क्या किया, बट ट्रस्ट मी शिवांशु के एक अलग प्रोसेस है उस चीज़ को अपनाने के लिए, अंजलि के एक अलग प्रोसेस है, मेरा खुद का एक अलग प्रोसेस है। तो when you watch reality shows, I would just suggest not get influenced but get inspired and try to bring that fire in you so that you can also get to reality shows, and there is also life after reality show. So yes, just make sure to just get inspired and not influenced. Yes, I feel हमारे season में हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। हम जितना ड्रीम्स में सोचते थे कि हम ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहाँ पूरे इंडिया के घर घर तक पहुँचेंगे, इंटरनेशनली पहुँचेगा हमारा टैलेंट, तो वो सब हुआ है हमारे सीज़न में। और मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो ऑडियंस से हमारी अपील है कि सीज़न 4 भी बहुत क्रेजी आने वाला है, तो आप लोग अपने डेट्स मार्क कर लो और जैसे ही आपको पता चले फुल टीवी के सामने बैठ जाओ और पूरे दिल से सपोर्ट करो, क्योंकि हम वो जर्नी से गुजरे और हमें पता है कि हमें क्या मेहनत करना पड़ा और उसके बाद आप लोगों से वो प्यार मिला। तो अभी जो कंटेस्टेंट्स आए हैं वो भी नेक्स्ट लेवल मेहनत करके आए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें फुल सपोर्ट करिए और हमारा सपोर्ट तो उनके साथ है। एंड पहले से हर टाइम जब भी न्यू रियलिटी शो आता है हर टाइम उसका लेवल अप ही होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे उतनी क्रेजी डांसिंग नहीं थी जितनी अब होती जा रही है। तो अब 10 साल बाद देखोगे तो अब हमारा उतना अच्छा ही लगेगा और अच्छा लाइक मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो हार्डवर्क करके इतने आगे तक पहुँच रहे हैं, नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या चल रहा है, तो आप सब लोगों को सपोर्ट करो। एंड क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और ज़्यादा हार्डवर्क चालू होता है, क्योंकि जो IBD है उसमें बैटल्स भी बनानी पड़ती है, कोरियोज भी करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सबको सपोर्ट करेंगे तो उनको भी मन में ये रहेगा कि हाँ हम जिस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं उनसे हमें प्यार मिल रहा है। और बाकी मैं तो आया रहा हूँ सपोर्ट करने ही आया हूँ मैं, क्योंकि लास्ट सीज़न इतना ज़्यादा कंपटीशन था और कुछ हमारे फ्रेंड्स भी थे जो नहीं हो पाए थे सिलेक्ट, और वो इस सीज़न आए हैं फिर से। और उस टाइम पे ऐसा होता ना कि फॉर्मेट ऐसा ही है कि सिर्फ 11-12 लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं, तो इस साल वो लोग आएंगे और इस सीज़न का भी लेवल बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और जैसे कि पिछले साल के हमारे दोस्तों के जो उसने बताया, वैसे भी हम बाहर से खाते रहते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि डांस की कम्युनिटी बहुत छोटी सी है हमारी, तो हम ऑलमोस्ट सब डांसर्स को जानते हैं। तो हम जितनी हमारी हम हेल्प कर पाए लोगों की, आज से पहले 1 महीना पहले से ऑडिशन चल रहे हैं तो हमने सबकी हेल्प करी है यहाँ तक पहुँचने तक, जितना जहाँ से भी अगर कहीं बाहर बैठे हैं तो वहाँ से भी हम वीडियो कॉल पर या कैसे भी उनकी हेल्प करके यहाँ पर भी मिल के उनको मोटिवेट कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, बाकी उनकी मेहनत और है जो उनको आगे लेके जाएगी। इस सीज़न में बहुत कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अभी हमने ऑलमोस्ट सारे ऑडिशंस देख लिए हैं और अच्छा टैलेंट आया है इस बार भी, क्योंकि अच्छा ऐसा ही होता है कि जब भी नेक्स्ट सीज़न आता है तो हमेशा टैलेंट क्या है और प्रिपेयर होके आता है, बच्चे और प्रिपेयर होके आते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। और पिछली बार बहुत प्यार मिला है ना, तो इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं और लोग उनको बहुत पसंद करेंगे। और भी शो पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शो पे और भी कुछ नया होने वाला है इस बार। हाँ। और हाँ, जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, थोड़ा सा चीज़ों में चेंज है और लोगों में चेंज है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। हम क्या एक्सेप्ट करेंगे यार, क्या माने, क्योंकि जैसे 2-3 सीज़न निकल गए और हम डांसर्स यही है कि प्रिपेयर करते रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब सीज़न 3 इतना ज़्यादा हाई चला गया, चीज़ें चली गई, तो अब हर डांसर ना अपने हिसाब से सीज़न देख के और ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखता है कि और सीज़न ये वाला अच्छा जाए या टफ जाए। तो इस सीज़न में बहुत अच्छे डांसर आए हैं, हमसे भी ऊपर लेवल चला जाएगा। हमारे में बहुत चीज़ों में बदलाव आया है, मतलब काम पे हम लोगों पे, जो हम बाहर जाते हैं लोग पहचानते हैं, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है। जब घर पर ही चेंज हो जाता है इतनी बड़ी चीज़ के बाद, जब घर वाले चेंज हो जाते हैं तो बाहर तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का।
कि जैसे आपने पिछला सीज़न देखा, आपको बहुत मज़ा आया, हमको भी बहुत मज़ा आया था कि आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया, देखा हर पूरा एक एक एपिसोड देखा। मैं कहूँगा कि इस बार आपकी नज़र नहीं हटेगी, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है जो अभी हम नहीं बता सकते। और अगर ये सीज़न मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। हाँ, मज़ा डबल हो जाएगा दोस्तों।